माशाल्लाह से अजान अपनी फुफ्फो के साथ जो है फोटोग्राफी करवा रहा है। यहाँ पर जो है चूरी के लिए आटा गूंदा जा रहा है, जैसे आज ही आई हुई है ना, तो वही आटा गूंद रही है चूरी के लिए। तो ये चूरी जो है दुल्हन के साथ जाएगी और जो रस्म चूरी की होगी ना वो मैं आपके साथ पूरी शेयर करूँगी कि चूरी किस लिए हमारे साथ जाती है, दुल्हन के साथ यानी कि जाती है। तो ये मलीदे, इसको उर्दू में जो कहते हैं इसको मलीदा कहते हैं और हमारी लैंग्वेज में इसको चूरी कहते हैं। ये चूरी का आटा जो है गूंदा जा रहा है। इधर हमारा चिकन कौरमा बनना तैयार हो गया है। एक में चिकन डाल दिया है और दूसरी अभी इसके नीचे आग भी जलाएंगे और पकाएंगे। सामान वगैरह इधर रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी हिफ्ज़-अमान में रखे। तो अभी जो है चूरी बनाई जा रही है, दुल्हन के साथ जो कि चूरी जाती है ना वो बना रहे हैं और मेरे साथ जो है मेरी जो बाजी मुल्तान से आई हुई है वो मदद करवा रही हैं, वो रोटी बना रही हैं और जो कि उनकी बेटी साथ आई है वो ग्राइंड कर रही है। इस तरह से एक बार मैंने आपको वीडियो में शेयर भी किया था कि जूसर में जो है चूरी को ग्राइंड करते हैं, तो ये छोटे वाले उसमें ये ग्राइंड कर रही हैं, इससे उससे ज़्यादा जो है ना इसमें अच्छी हो रही है। तो ये जो है दुल्हन के साथ जाती है, ये हमारी एक रस्म है, तो ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने कहा ये पहले पहले काम जो है ना ये किया जाए, पहले इस काम से निमट जाते हैं, फिर बाद में जो है दूसरा काम करते रहेंगे कि खाना वगैरह होगा, फिर खाना वगैरह बांटेंगे देंगे और दुल्हन को तैयार करने के लिए बाजी वालों को जो है फिर पहुंचाएंगे, बाजी जो है दुल्हन को तैयार करेंगे मेरी नंद को, और मेरा जो ये काम ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी मदद कर रही है कि जो है ये दुआ जो है परेशान ना हो और दुआ इतना काम भी ना करे, तो हम इसकी हेल्प करवा देंगे। इस वजह से इनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। एक तो मुल्तान से उधर से आई, इतना उन्होंने मेरे लिए किया, मुझे इतना अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मेरे साथ जो है इस तरह से मदद करवा रही हैं जैसे कि अपने घर के होना अफराद इस तरह से। और ये कि जो मेरी फिक्र भी कर रही हैं कि ना इतना काम जो है दुआ ना करे, तो इसलिए मेरी मदद करवाई जा रही है। और मेकअप करने से पहले जो है मैंने दुल्हन को खाना दिया, मैंने कहा ये खाना खा ले, फिर बाद में तो खाया नहीं जाएगा। और अजान जो है आजकल अपनी फुप्पो के साथ ही खाना खाता है, नाश्ता करता है, सब कुछ जो है, तो अपनी फुप्पो को कह रहा है कि मैं जाने भी नहीं दूंगा। तो अभी ये फुप्पो के साथ खाना खा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बाजी वालों को जो है इनको भी दे दिए साथ में खाना, ये भी खा रहे हैं ताकि जो है बाजी फिर ईजीली जो है तैयार कर सकें खाना खाने के बाद। तो बाद में तो हम बांटते रहेंगे देते रहेंगे खाना, तो यहाँ पर ये है कि खाना खाने से जो है ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी, दुल्हन ने खाना नहीं खाया। खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह से सब मेहमानों को जो है खिला दिए। अभी जो है मैं आई हूँ तैयार होने के लिए बाजी से, अभी ब्राइड जो है वो तैयार हो रही है दुल्हन, मैं आपको उनका मेकअप जो है वो भी दिखाऊंगी कि हमारी ब्राइड का जो आइस मेकअप हो रहा है ना वो कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो वो मैं आपके साथ जो है शेयर करती रहूँगी। अभी सोहा को तैयार किया जा रहा है और मेरी जो सिस्टर है वो भी तैयार हो गई है, और मैं अभी जो है ना ऊपर आई हूँ, तो खाना वगैरह जो गेस्ट आए हुए थे ना उनको सबको खिला दिए। तो अभी अजान और एहतशाम में रहते हैं, एहतशाम को जब मैं तैयार होकर नीचे जाऊँगी ना तो फिर ही जाकर इनको जो है दूंगी, हाँ, इनका ड्रेस और शूज़ वगैरह, और अजान को भी तभी तैयार करूँगी। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है उसका मेकअप ब्राइड का। मेरी सिस्टर जो है वो भी तैयार हो गई है, तो आइस मेकअप इसका बहुत प्यारा लग रहा है, इयर रिंग्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, और ये ड्रेसिंग है। अभी जो है ये सैंडल पहन रही थी, एक सैंडल दूसरी पहनी हुई है, एक दूसरी अभी पहन रही थी, मैंने कहा मैं वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पर जो है आयरा ये भी तैयार है, इसकी सैंडल भी,
ये भी तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। ये भी शर्म आ रही है क्या? ब्राइड को जो है मस्कारा लगाया जा रहा है, अभी आईज मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ इसका। आईज मेकअप जो है क्लियर हो गया है और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी मेकअप जो है अभी हो रहा है। ये दुल्हन की जो है आईज कैसी लग रही है आप सबने कमेंट करके बताना है। और ये सारी मेहनत जो है मेरी बाजी की मेहनत है। ये ब्रात जी, मेरी लुक आप देख सकते हैं। तो सबको जो है मैंने तैयार हुआ हुआ दिखा दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, रेडी हूँ। तो माशाल्लाह से बाजी ने बहुत ही अच्छा सबको तैयार करा है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वो मेरी वीडियो देख रही होंगी। और ये कि दुल्हन जो है हमारी ब्राइडल वो भी बिल्कुल तैयार है। अज़ान अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो गई और मैं भी अपनी तैयारी आपको दिखाती हूँ। मैं भी तैयार हो गई हूँ और अज़ान ने जो है ये सैंडल पहने और कुर्ता बास्केट पप्पो की शादी का जो है ये बोर्ड उठाया हुआ है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। एहतशाम भी तैयार हो गए, बस आपने जाके सैंडल पहननी है और क्या करना है, बास्केट लेनी है। ठीक है, बास्केट उधर पंखे पे खड़ी हुई, पंखे पे उसमें जहाँ पर वो लॉक लगा हुआ है ना, सोवा से पूछो वहाँ पर बास्केट, यहाँ पे शर्मा भाई की। ठीक है, माशाल्लाह से अजान अपनी पप्पो के साथ जो है फोटोग्राफी करवा रहा है और जो है इसके साथ जो है चल कर आ रहा है पप्पो के साथ। इसकी पप्पो की शादी है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो लहंगा देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और तैयारी भी पप्पो की बहुत अच्छी हुई है। और पप्पो को आज रुख्सत करोगे या साथ जाओगे? अभी तैयारी जो है ब्राइड की हो गई है, आइस मेकअप और ज्वेलरी वगैरह भी सब कुछ पहन लिया है। तो माशाल्लाह से फुल फाइनल तैयारी जो है हो गई है मेरी नंद की। और आप सब ने बताना कि कैसी लग रही है लहंगा और मेहंदी, बहुत ही खूबसूरत लगी है मेहंदी भी।
और तैयारी भी बहुत अच्छी हुई है। तो बाजी ने जो है ना बहुत ही अच्छा तैयार करा है, दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो है बस बारात भी आ गई है, अभी मैं नीचे नहीं गई हूँ, देखते हैं जाकर के क्या है निकाह का टाइम जो है ना, फिर इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब निकाह होगा। और आप सबने दुआ करनी है मेरी नंद के लिए, अल्लाह ताला नसीब बच्चे करें मेरी नंद के, और अल्लाह पाक सब बहनों के नसीब बच्चे हों, आमीन सुम आमीन, उनके सदके जो है मेरी नंद के भी नसीब बच्चे हों, आमीन। आप सबने बताना है कि कैसी लग रही है, और आप सबने ढेरों दुआएं भी करनी है मेरी नंद के लिए। मेहंदी भी देख सकते हैं, तो एहतशाम भी आ गए हैं। एहतशाम माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कोट पहना हुआ है और इन्होंने जो ये शूज़ पहने हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो कि अपने बहन के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप सबने ढेरों दुआएं करनी है नसीब के लिए, और अजान भी आ गया है, अजान ने सेहरा उठाया हुआ है।